गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किवें हो सारे? आई होप सारे ठीक होणगे। सो बच्चो, साडा फोर्स एंड मोशन चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर दे विच साडा नैक्सट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। ओके, सो इस टॉपिक ने शुरू करने तो पहला मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देना है। स्टूडेंट्स, आई एम मनजीत सिंह, लेक्चरर इन फिजिक्स, SASS, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज तलवाड़ा। सो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, साडा आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स, या फिर अपन रिजोल्विंग ए वैक्टर भी कह दें। ओके, सो रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स का मीनिंग ये होता है किसी वैक्टर उस दे कंपोनेंट्स दे विच ब्रेक करना या स्प्लिट करना। सो अपा किसी एक वैक्टर किसी भी वैक्टर अपा उस दे कंपोनेंट्स दे विच, उस दे पार्ट्स दे विच तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसैस है इनू आप कह दें रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। ओके, और रिजोल्विंग ए वैक्टर। सो वैक्टर रिजोल्व करन दा मीनिंग ये होंदा है टू ब्रेक ए वैक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, किसी वैक्टर उस दे कंपोनेंट्स दे विच ब्रेक करना। ओके, सो अपा बच्चो किसी भी वैक्टर उस दे दो कंपोनेंट्स दे विच ब्रेक कर सकते हैं किसी भी वैक्टर। ओके, सो ओ कंपोनेंट्स विच अपा किसी वैक्टर किवें ब्रेक करांगे ते ओ कंपोनेंट्स दी केड़ी केड़ी वैल्यू की वैल्यू होगी वो अपा इस लैक्चर दे विच स्टडी करांगे। ओके, सो सब तो पहला अपा सपोज करते हैं एक रैक्टेंगुलर कोआर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो सब तो पहला अपा सपोज किया एक रैक्टेंगुलर कोआर्डिनेट सिस्टम। सो जिहदे विच एक एक्स एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस है साडे कोलों, ते इनू मैं दे नाम दिता ओ। ओ मीनस ओरिजन, जिथे दोनों एक्सिस मीट करते हैं। ठीक है, हुण मैं सपोज करांगा एक वैक्टर। सपोज मैं एक वैक्टर कंसीडर किया, सो ये मेरा वैक्टर आ गया जिसकी जिसका नाम है एफ वैक्टर। ओके, हुण मैं की करना है इस एफ वैक्टर मैं उदों तक मूव करवाना है जदों तक इस वैक्टर की टेल इत्थे ओ मीन ओरिजन दे नाल मीट ना कर जाए। ठीक है, सो मैं मूव करवाया तो इत्थे ले आया। सो ये हो गया मेरा एफ वैक्टर। ओके, सो नैक्सट फस्ट स्टैप की होया, आप एक कोआर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया एक्स एक्सिस दे वाई एक्सिस। ठीक है, सैकेंड स्टैप की होया, मैं एक वैक्टर लिया जिहदा नाम है एफ वैक्टर। ओके, थर्ड स्टैप दे विच आप कंसिडर करांगे जो वैक्टर है, जो ए वैक्टर है, ए वैक्टर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, की एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ओके, हुण की करना, मैं इस वैक्टर एदे कंपोनेंट्स दे विच ब्रेक करना है। सो इस वैक्टर इस दे कंपोनेंट्स दे विच ब्रेक करन लई मैं की करांगा, इस वैक्टर दे एरो हैड तो एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस दे उत्ते ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सो एक परपेंडिकुलर मैं एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया, तो एक परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस से ड्रॉ किया। ओके, की किया मैं इस दे एरो हेड तो एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस से ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, नाउ हुण जिहड़ा
ए वाला पार्ट है एफ वेक्टर दे नीचे, ए वाला एक्स एक्सिस दे उत्ते जिहड़ा पार्ट है ए वाला, इन्ना इन्ना ठीक है। इनू मैं कहांगा एफ वेक्टर दा एक्स कंपोनेंट। सो पहला कंपोनेंट मैं नाम देवांगा एफ एक्स, एफ एक्स ठीक है। सो की हुआ जिथे परपेंडिकुलर इथे मीट किया, जिथे मैं परपेंडिकुलर सुटिया है एक्स एक्सिस के उत्ते ठीक है, जी ए वाली लेंथ होगी ओरिजन तो लैके परपेंडिकुलर तक, ए होगा एफ वैक्टर का एक्स एक्सिस के उत्ते कंपोनेंट, वह मैं नाम देता एफ एक्स ठीक है। सो एफ एक्स की होया, एफ एक्स की है कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है, एफ एक्स। नाउ हुण इधर ध्यान दो, इत्थों भी मैं एक परपेंडिकुलर इस वाई एक्सिस दे उत्ते ड्रॉ किया सुटिया ठीक है। हुण जिहड़ा ए वाली लेंथ है ओरिजन तो लैके ए वाली लेंथ, इहनूं मैं कहांगा ए की है वाई कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर, तो इहनूं मैं नाम दे देवांगा एफ वाई ठीक है। सो देखो की होया इत्थे, मैं एफ वैक्टर नूं इस दे दो कंपोनेंट्स दे विच स्प्लिट कर दिता, एक कंपोनेंट होया एफ एक्स ते दूसरा कंपोनेंट होया एफ वाई ठीक है। सो एफ वाई की होया कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके सो साडे कोल दो कंपोनेंट्स आ गए, केड़े केड़े, एक हो गया एफ दा, एफ वेक्टर दा दो कंपोनेंट्स हो गए। सो एक हो गया एफ एक्स एंड एक हो गया एफ वाई। सो मैं की किया है एफ वेक्टर नू ए दो कंपोनेंट्स के बीच तोड़ दिता, ब्रेक करता, एक हो गया एफ एक्स एक हो गया एफ वाई। हूँ आप इन्ह कंपोनेंट्स की जो वैल्यू हैगी है एग्जैक्ट वैल्यू किन्नी होंगी एफ वैक्टर के इन टर्म्स विच, वो आप पता करनी है ठीक है। वो आप किमें पता करांगे सी। अच्छा बच्चों देखो ना, देखो इतने एक ट्राइंगल बन रही है, आ वाली ट्राइंगल। सो यदा मैं नाम दे सक दे दावा कोई, यू मैं इस पॉइंट को मैं एम लिख सकता हाँ, इस पॉइंट को मैं एन लिख दिना है ठीक है, ओ एम एन। सो जो मैं ट्रम कहवा कि इन ट्राइंगल ओ एम एन कोज ऑफ थीटा की वैल्यू किन्नी होगी, कोज ऑफ थीटा की वैल्यू। सो सानू पता है कोज ऑफ थीटा होंदा है बेस ओवर हाइपोटीन्यूज। सो ए ट्राइंगल का बेस की बन रहा है, इस ट्राइंगल का बेस की बन रहा है एफ एक्स बेस ओवर हाइपोटीन्यूज। एफ एक्स ते हाइपोटीन्यूज की है एस ए वैक्टर एफ वैक्टर। नाउ एफ वैक्टर दा मैगनीट्यूड कितना होंगे, मैं तुम्हें पहले भी दसिया सी किसी भी वैक्टर के मैगनीट्यूड नू मैं लिख सकता है सिंपल एफ। सो सिंपल एफ होगा इसका मैगनीट्यूड, मीनस इस वैक्टर की लेंथ वो आप लिख सकते हैं वो कितनी है एफ ठीक है। सो मैं लिख सकता हाँ कि इस वैक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है एफ। नाउ कोस थीटा की वैल्यू इतने कितनी आएगी, एफ एक्स बेस ओवर हाइपोटीन्यूज। सो बेस हो गया इतने एफ एक्स बेस ए हो गया, हाइपोटीन्यूज ए हो गया। सो एफ एक्स ओवर एफ, और मेरे को जे मैं इसनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा या फिर मैं इनू रीअरेंज करा तो मैं इस तरह लिख सकता है एफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ
कोस ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ए हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, सो ए की है एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस दे अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस दे अलोंग जिहड़ा मेरा कंपोनेंट है एफ वेक्टर दा ओ है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, सो इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ आपां हुण एफ वाई की वैल्यू पता करनी है, अगेन इस ट्रैंगल दे उत्ते आ जाओ। नाउ देखो हुण आपां एफ वाई की वैल्यू कढ़नी हैगी है। नाउ देखो ये जो वैक्टर, ये जो साडे को कंपोनेंट बन रहा है, सो इनू मैं नाम दे देना पी, आ पॉइंट पी हो गया। सो ओ पी जिहड़ा हैगा है ये लेंथ कितनी है एफ वाई, सो ओ पी लेंथ जिहड़ी हैगी है वह बराबर है एम एन। नाउ ओ पी इज इक्वल टू एम एन, सो यदा मतलब ये है मैं एम एन भी की लिख सकता है एफ वाई, जो जे है ए एफ वाई है तो ए भी की होगा एफ वाई। ओके नाउ अगेन इन ट्राइंगल ओ एम एन, अगेन ये ट्राइंगल दे आ जाओ ओ एम एन ट्राइंगल के उत्ते, इतों साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आऊगी, साइन ऑफ थीटा। सो पता है फॉर्मूला आप याद किया है स्कूल टाइम से की होंगे है किसी ट्राइंगल दाइड की रेशियो किस तरह आप याद रखते हैं, पी पंडित बद्री प्रसाद वाली आप एग्जाम्पल लैके, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। सो साइन थीटा इक्वल होंगे है साइड ट्राइंगल की साइड की रेशियो के कहते इक्वल होंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो इतने परपेंडिकुलर की है इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ए एफ वाई, तो हाइपोटेन्यूज कितना है एफ। सो अगेन आप जो यदि क्रॉस मल्टीप्लाई इनू आप करांगे, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इतों मेरे को एफ वाई की वैल्यू आ जाऊगी, एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को एफ साइन ऑफ थीटा। ओके सो ये हो गया मेरा एफ वैक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग जिहड़ा कंपोनेंट होया ही ओदी वैल्यू, ठीक है। सो ये हो गया साडा टॉपिक खत्म, रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। सो ये की किया मैं एक वैक्टर लिया एफ वैक्टर, उसनू दो कंपोनेंट्स के विच ब्रेक कर दिता, एक हो गया वह एफ एक्स एक का नाम देता आप एफ एक्स, एक का नाम देता आप एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू आप कड़ी वो कि नहीं है साढ़े को एफ कोज ऑफ थीटा। सो इनू मैं कहांगा होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर। होरिजोनटल कंपोनेंट क्यों क्या, देखो इधर जरा, क्योंकि ए होरिजोनटल है, ठीक है। एस सो ए इस तरह की आप लाइन आप होरिजोनटल कहने, इस तरह की लाइन आप वर्टिकल कहने हैं। सो एफ एक्स की है होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर, तो एफ वाई की है वर्टिकल कंपोनेंट जो खड़ा कंपोनेंट हैगा है। सो एफ वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ली, सो कि नहीं आई एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। सो इन मैं कहांगा ए की है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। ओके सो ए हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके सो इहदियां एप्लीकेशन आपां कई एप्लीकेशन ये बेसिस उत्ते होंदियां हन। ओके सो एक एप्लीकेशन आपां जे डिस्कस कर लीए, फॉर एग्जाम्पल, सो एक आपां एप्लीकेशन डिस्कस कर लैंदे हां। सपोज ए एक ब्लॉक है, ठीक है, तो एक किथे तुहाडे जो कोई परसन है,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਬਲੋਕ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਸੋ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ। ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਫ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਫ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਫਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਫ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦੈਨ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਏ ਲੋਨ ਰੋਲਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਣਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਬਲਿਊ। ਓਕੇ, ਡਬਲਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ, ਮੇਰਾ ਵੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਡਬਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਐਫ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਉਹ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਐਫ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੋ ਇਹ ਰੋਲਰ ਹੈ ਇਹ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ? ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ? ਟੂ ਮੂਵ ਰੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਮੂਵ ਰੋਲਰ, ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਫ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਫਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਟ। ਸੋ ਵੇਟ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਵੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਨੈੱਟ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ,
नेट वेट, नेट वेट होगा साढ़े को, मीन्स जो असली वेट होगा इस केस दे विच इहदा डबल्यू माइनस एफ साइन थीटा, यह होगा इस रोलर का नैट वेट जिहड़ा कि इसके रीयल वेट के नालो डिक्रीज हो जाएगा, घट घट होगा इस री इसके रीयल वेट के नालो घट होगा, ठीक है। सो इसका क्योंकि नैट वेट जिहड़ा होगा डिक्रीज हो गया घट गया, इस करके इस रोलर नू पुल करना ईजी हुंदा है, खिंचना ईजी हुंदा है, क्यों, क्योंकि नैट वेट इसका डिक्रीज हो गया इसके रीयल वेट के नालो, ओके okay? इस करके इस रोलर नू पुल करना ईजी है। सो तुसी इस कंपोनेंट पर ज़्यादा ध्यान देना, एफ साइन थीटा कंपोनेंट का काम की हुंदा है, वेट जो वेट है उसके जो वेट है उसनू थोड़ा जिहा घट कर, सो वेट नू थोड़ा कैंसल कर दिंदा है, वेट के कैंसल होने के नाल की हुंदा है इसका नैट वेट जिहड़ा होगा जो असली वेट होगा वह डिक्रीज हो जाएगा तो ये ईजीली पुल हो जाएगा, ओके। सो ये तो हो गया जो आप रोलर नू पुल करते हैं, ओके। सो मैं इस तरह भी कह सकता है, वैन द रोलर इज पुल्ड द होरिजोंटल कंपोनेंट, सो होरिजोंटल कंपोनेंट देखो इधर जो ये एफ कोस थीटा, द होरिजोंटल कंपोनेंट्स हेल्प्स टू मूव इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये होरिजोंटल कंपोनेंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के मूव करने हेल्प करता है, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ा कि है एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, इट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन के एक्ट करता है, एंड डिक्रीज द नैट वेट ऑफ द रोलर। सो एफ साइन थीटा का की काम है, टू डिक्रीज टू डिक्रीज नैट वेट ऑफ द रोलर, नैट वेट ऑफ द रोलर, ओके। इस करके जो रोलर का वेट नैट वेट घट जाऊगा तो रोलर ईजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन च मूव कर जाएगा। सो हुण आपां केस डिस्कस करदे हां जदों लॉन रोलर नू पुश किया जाता है, ठीक है, जदों अगे नू धक्किया जाता है। अगेन आप सब तो पहले आप कंसीडर करांगे कि जो इस रोलर का वेट है वह है डबल्यू, तो वह वेट बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट बिल्कुल नीचे वाल नू एक्ट कर रहा है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच। तो सपोज करते हैं जो ये परसन है इस रोलर नू पुश कर रहा है ता कि यह रोलर इस डायरेक्शन दे विच मूव करे, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच मूव करे, इस तरह इस डायरेक्शन च मूव करे। नाउ सपोज कि जो ये परसन है वो एफ वैक्टर फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन लगा रहा है, देखो इस डायरेक्शन फोर्स लगाऊगा इधर फोर्स लगाऊगा तो ही अगे वालू मूव करेगा। सो जो पुश कर रहा है इस डायरेक्शन के पुश कर रहा है तो अगे वालू मूव करेगा, सो डायरेक्शन की हुई फोर्स की इस वालू, ठीक है। अगेन आप पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी वैक्टर में दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, सो आप इस दो कंपोनेंट्स इस फोर्स में दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर देना, स्प्लिट कर देना, रिजोल्व कर देना। सो एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन के होरिजोंटल कंपोनेंट, ए होगा होरिजोंटल कंपोनेंट, तो होरिजोंटल कंपोनेंट कितना होगा हमेशा एफ कोज ऑफ थीटा, तो एक की होगा वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन के कितना होगा एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो आप किया जो फोर्स लग रही है उन्होंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिता, होरिजोंटल कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा, तो वर्टिकली जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। बस आप इतने देखना है कि फोर्स का केड़ा कंपोनेंट इस रोलर नू अगे नू लैके जाता है, तो केड़ा कंपोनेंट जो है नीचे वाल नू एक्ट कर रहा है जिहड़ा कि वेट नू बढ़ाता है, ओके। सो सब तो पहले आप देख लें होरिजोंटल कंपोनेंट, होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ
फोर्स. सो होरिजोंटल कंपोनेंट की है फोर्स का, एफ कोज ऑफ थीटा. हुण देखो फोर्स तो इधर लगा रहा बट उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन च लग रहा है. तो हुण रोलर दस मैनू दसो मूव कि डायरेक्शन के होंदा है. सो रोलर मूव भी तो इस डायरेक्शन होंदा है. सो ये रोलर नू इस डायरेक्शन के मूव करवाण लई फोर्स का किहड़ा हिस्सा, फोर्स का किहड़ा पार्ट, फोर्स का किहड़ा कंपोनेंट हैल्प कर रहा है, एफ कोज ऑफ थीटा. सो एफ कोज ऑफ थीटा कंपोनेंट जिहड़ा हैगा है वह हैल्प करता है टू मूव रोलर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो जो होरिजोंटल कंपोनेंट जिहड़ा हैगा है वह हैल्प करता है रोलर नू अगे लैके जाने लई मूव करवाने लई. सो नैक्सट आता साढ़े को वर्टिकल कंपोनेंट. आप हम देखना कि वर्टिकल कंपोनेंट का की काम है. सो वर्टिकल कंपोनेंट कड़ा है एफ साइन ऑफ थीटा. सो यदा हम आप देखना की काम है. देखो एफ साइन थीटा. अच्छा हूँ देखो वेट जोड़ा है किसी भी चीज़ का वेट हमेशा नीचे वालू एक्ट करता है. ठीक है. सो वेट जोड़ा है नीचे वालू एक्ट कर रहा है. तो फोर्स का एक कंपोनेंट भी नीचे वालू एक्ट कर रहा है. मतलब की है फोर्स का एक हिस्सा वह भी थले वालू लग रहा है. फोर्स का एक हिस्सा जोड़ा है इस रोलर थले पुश कर रहा है. सो की हो रहा है वेट तो लग ही रहा है नीचे वालों नि वेट तो है ही है प्लस नाल की मिल गया एक फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा. सो ये की होजूगा वेट देखो इनक्रीज हो गया. पहला वेट डबल्यू ही टोटल वेट पहला रोलर डबल्यू ही गा फोर्स लगन तो पहला. सो वेट के होया एक होर कुछ ऐड हो गया ये की है फोर्स का एक कंपोनेंट. सो ये की होगा जो टोटल वेट जरा नैट वेट होगा नैट वेट रोलर का वह की होजूगा इनक्रीज. ओके. सो नैट वेट इनक्रीज हो गया. सो एफ साइन थीटा कंपोनेंट ने की किया इनक्रीजिज नैट वेट ऑफ रोलर. सो रोलर का वेट एक तरह का की हो गया इनक्रीज हो गया. सो वेट बढ़ गया दैट मीनस इस पुश करना की होजूगा मुश्किल टफ होजूगा. ठीक है. इस करके एक रोलर नू पुश करना टफ हुंदा है बट पुल करना खिंचना ईजी हुंदा है. क्योंकि पुल करन दे केस विच की होया पुल करन दे विच की हुंदा है कि जो रोलर दा वेट ओवरऑल नैट वेट हुंदा वह डिक्रीज कर जांदा घट जांदा है बट पुश करन दे विच जो टोटल वेट हुंदा रोलर दा नैट वेट हुंदा है वह इनक्रीज हो जाता क्योंकि एफ साइन थीटा कंपोनेंट भी थले लग रहा है. ये भी कंपोनेंट इस थले वालू पुश कर रहा है तो वेट थले पुश कर ही रहा है. सो इस करके टोटल नैट वेट जो होगा वह इनक्रीज हो जूगा. वेट इनक्रीज हो गया अगे ना भी ज़्यादा वेट इनक्रीज हो गया इस करके रोलर नू पुश करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके. सो इसलिए एक रोलर नू पुल करना ईजी होंदा है तो पुश करना डिफिकल्ट. ओके. सो इस दे बेसिस दे उत्ते भी नमेरिकल आ जाता है. सीधी वो एप्लीकेशन ही पूछ लैंदा है कि दसो वाई इट इज़ ईजीअर टू पुल दैन टू पुश ए लॉन रोलर. किसी लॉन रोलर नू पुल करना ईजी हुंदा है पुश करना डिफिकल्ट हुंदा है वाई. सो सीधे सीधे इस तरह ही पांच नंबर क्वेश्चन पूछ लैंदा है. अच्छा एक गल जरूर याद रखनी तुसी फाइव मार्क्स जदों भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आवे तो डायग्राम जरूर बनानी हैगी है. जो तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना डायग्राम जरूर बनानी हैगी है. डायग्राम दे हमेशा हमेशा मार्क्स जरूर पैंदे है विच. ओके. फिजिक्स दे विच कदी भी डायग्राम ड्रॉ कदी भी इदा नहीं करना कि डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी. हमेशा जिथे लोड है फिजिक्स दे विच जरूर डायग्राम ड्रॉ करनी है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स. सो थैंक्स बच्चों मिलते हैं नैक्सट टॉपिक दे.